नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 1000 रुपए के जुर्माने से किया दंडित। खेत में खेलते समय करंट की चपेट में आ जाने से 13 साल के बच्चे की हुई मौत, मोतीनगर थाना क्षेत्र का मामला। कनेर के पेड़ पर बैठे अजगर सांप को देखकर लोगों के उड़े होश, वन विभाग ने रेस्क्यू कर अजगर को पकड़ा। 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धरे गए सहायक अभियंता, महिला सरपंच से की थी रिश्वत की मांग, शिवपुरी का मामला। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित, मकरोनिया के बटालियन में SP समेत पुलिस कर्मियों ने किया रक्तदान। साल 2020 में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सागर जिले के देवरी थाना में दर्ज बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और आरोपी को 10 साल की सजा का ऐलान करते हुए 1000 रुपए के दंड से दंडित किया है। इस मामले में देवरी अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने फैसला सुनाया। देवरी थाना में दर्ज बंधक बनाकर रेप करने के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इसको लेकर लोक अभियोजन अधिकारी ब्रजेश दीक्षित ने बताया कि 24 जून 2017 को देवरी थाने में बंधक बनाकर रेप करने का मामला दर्ज किया गया था। इस शिकायत में आवेदिका ने कहा था कि आरोपी सल्लू और फिर शरीफ शाह बहला फुसलाकर उसे भगा ले गया और फिर भोपाल में ले जाकर एक कमरे में बंद कर उसके साथ बार बार बलात्कार करता रहा। इस मामले में देवरी अपर सत्र न्यायाधीश रघु प्रसाद पटेल ने फैसला सुनाया है और आरोपी शरीफ को 10 साल की सजा और 1000 के जुर्माने से भी दंडित किया है। ये सन 2017 का मामला है। इसमें आरोपी शरीफ और सल्लू मुसलमान को घर से बहला फुसला के भाग के ले गया था, भोपाल ले गया। भोपाल में बंद कमरे में उसके साथ बार बार देवरी अपर सत्र न्यायाधीश श्री रघुवीर प्रसाद पटेल की अदालत ने शिवपुरी जिले के कोलारस में जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक अभियंता को लोकायुक्त पुलिस ने 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सहायक अभियंता ने महिला सरपंच से रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त पुलिस ने शिवपुरी जिले के कोलारस में जनपद पंचायत में पदस्थ सहायक अभियंता को 8000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। सहायक अभियंता ने चंदेनी गांव की महिला सरपंच से आंगनवाड़ी केंद्र भवन के निर्माण में आने वाली दूसरी किस्त की स्वीकृति को लेकर मांग पत्र पर हस्ताक्षर और सत्यापन करने के एवज में पहली किस्त की पूरी राशि में से 2% रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत महिला सरपंच ने लोकायुक्त की टीम से की और लोकायुक्त पुलिस ने सहायक अभियंता हरि नारायण पंडोलिया को उनके निवास से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ये ग्राम पंचायत चंदेनी में मेरी मिसेज हैं नीलम शिवरे के नाम से जी। तो उन्होंने एक आंगनबाड़ी स्वीकृत हुई हमारे ग्राम बांगरोथ के लिए, तो उसमें 780 का टोटल बिल्डिंग है जी। और उसमें से 468 करीब हमको इशू हो गया था यहाँ जिले से जी। और उसमें से 445 का मूल्यांकन सविन जी ने गुप्ता जी के द्वारा कर दिया गया था और यही सर को उसको वेरीफाई करना था और मांग पत्र को आगे फॉरवर्ड करना था। तो उसके एवज में मैंने इनको बिल्डिंग भी दिखा दी थी और हमारे सब इंजीनियर गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी बिल्डिंग देख ली थी और इनको मैंने बिल्डिंग दिखाने के बाद में उसको मांग पत्र के साइन करने के लिए बोला या वेरीफाई के लिए बोला, तो इन्होंने उसके लिए 2% मुझसे पैसे की मांग की। मैंने उनसे बोला भी था अगर बिल्डिंग में कोई कमी है तो मुझे आप बताइए, उसमें और सुधार कर दूंगा। तो उसके मतलब में उन्होंने यही सब थे कि वो तो सब कर लो आप, लेकिन वो तो 2% तो आपको देना पड़ेगा। तो उनके साथ मैं 2% नहीं दे पाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने इनसे 2-4 बार निवेदन भी किया, लेकिन उनको शायद समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे हार मान के ये कदम उठाना पड़ा। तो मुझे लोकायुक्त जाना पड़ा और लोकायुक्त जाने के बाद मैंने आदरणीय चौहान सर से बोला और उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लेकर मुझे सारी उसका जो प्रोसेस रहता है वो बताया। उस प्रोसेस को मैंने फॉलो किया और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। वहीं इस मामले में लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी, इस आधार पर रिश्वत के लेन देन की पहले आवाज ट्रैप की गई, इसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया गया। ये आवेदक हैं दीपक शिवरे, इनकी पत्नी श्रीमती नीलम शिवरे ग्राम पंचायत सरपंच है। जिला पंचायत के द्वारा एक आंगनवाड़ी केंद्र इनकी ग्राम पंचायत बांगरोथ में स्वीकृत किया गया था, जिसकी पहली किस्त 4,68,000 रुपये मिल चुकी थी
उस पहली किस्त की राशि से ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण छत और प्लास्टर तक लेवल तक कर लिया गया था। आगे के निर्माण के लिए द्वितीय किस्त जारी होनी थी। इस हेतु जो उपयंत्री हैं उनके द्वारा मूल्यांकन MB में दर्ज कर लिया गया था आंगनबाड़ी केंद्र का, किंतु सहायक यंत्री जो जनपद पंचायत कोलारस में पदस्थ हैं श्री हरिनारायण पांडोरिया, इनके द्वारा उस MB बुक पर जो उपयंत्री द्वारा मूल्यांकन अंकित किया गया है उसके सत्यापन करने के लिए और मांग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, जिससे कि इन्हें दूसरी किस्त प्राप्त हो सके, इनसे 2% जो मूल्यांकित राशि है 4,45,795 रुपये उसका 2% कमीशन का रिश्वत के तौर पर मांग की जा रही थी। आवेदक के द्वारा 14 तारीख को अक्टूबर को लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर में इस बात की शिकायत की गई। उसकी शिकायत की तस्दीक के लिए एक वॉइस रिकॉर्डर इसको दिया गया और 16 तारीख को घर पर जो है यहाँ हाथीखाना में किराए के आवास में उपयंत्री सहायक यंत्री रहते हैं यह बातचीत रिकॉर्ड कराई गई और बातचीत में इन्होंने 2% कमीशन की जो है मांग की रिश्वत की, जिसमें 8,000 रुपये आवेदक के द्वारा देना स्वीकार किया गया, जिसमें इन्होंने सहमति दी। आज उक्त राशि जो है आवेदक द्वारा यहाँ इनके निवास पर आरोपी को दी गई। आरोपी ने वो राशि लेकर अपने पैंट की बाईं जेब में रख ली, तो राशि बरामद की जा चुकी है। आज कितनी राशि बरामद की है? आज 8,000 रुपये आरोपी से बरामद हुए हैं और मौके पर अभी कार्रवाई जारी है। टीम में कौन कौन है सर? टीम में हमारे साथ DSP श्री पाराशर और इंस्पेक्टर आराधना डेविस, सब इंस्पेक्टर श्री सुरेश कुशवा और इसके अलावा हमारे जो है टीम के मेंबर्स हैं। और अच्छा तो सर इसमें राशि 8,000 मांगी और इससे पहले दे चुके हैं क्या? नहीं, इससे पहले नहीं थे एक्चुअली। जब ये मूल्यांकन के लिए वेरिफिकेशन सहायक एंट्री कर देते हैं उसके बाद ही ये फाइल जिले में मांगे। कितने और देना थे? ये पूरे को 2% एक्चुअली मांग रहे थे। जो अभी मूल्यांकन हो चुका है 4,45,000 उसका 2% मांग रहे थे, तो करीब 9,000 बनता है। तो आवेदक के निवेदन कर लेते 8,000 अरे सुन तो लो दादा, मेरे पूरी फाइल इस पे है, वो पंचायत का मैटर हो गया। आपके जनपद के थ्रू कम्युनिकेशन होता है तो जनपद के पास क्या रिपोर्ट है? TS आपके और भुगतान दूसरी किस्त कैसे प्राप्त होती है? मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 13 साल का बच्चा खेलते समय करंट की चपेट में आ गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि थाना क्षेत्र के पथरिया हाट गाँव में बिट्टू रजक नाम का एक 13 साल का बच्चा खेत में खेल रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। खबरें अब विस्तार से। दमोह जिले के हटा में कनेर के पेड़ पर जब लोगों ने एक अजगर सांप को लिपटा हुआ देखा तो लोगों के होश उड़ गए। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 10 फुट लंबे अजगर को पकड़कर सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया। दमोह जिले के हटा जनपद के मड़ियादो गाँव में एक विशाल अजगर कनेर के पेड़ की डालियों में लिपटा हुआ दिखा, जिसकी सूचना तुरंत ही फॉरेस्ट विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया गया, जिसे मड़ियादो गांव के चोखी भरका के जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। बता दें, एक सप्ताह पहले भी इसी गांव में अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया था।
लो आज सूचना मिली मंडिया गांव में किले के पास एक अजगर सर्प जिसका रेस्क्यू कर से पकड़ लिया गया है। अब इसको जंगल में आराम से वन क्षेत्र में घूमने के लिए छोड़ा जाएगा। कौन सी प्रजाति का ये अजगर है? पैथन। ये अजगर कैसे यहाँ आया? सुबह सुबह वायु में रहने वाली एक महिला ने बताया वो दीवार से नीचे की ओर सरक रहा था, छत के ऊपर से आ रहा था। हो सकता है आजू बाजू जो बंजर क्षेत्र पड़ा हुआ है, किला वगैरह है, वहाँ से आके जानवर आ जाते हैं। ये यहाँ से जब से बफाजन हुआ है जानवर भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ ये जो सांप हैं ये आप बढ़ रहे हैं और रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। ये तीसरी घटना है इस हफ्ते में। इसके पहले भी आ चुके हैं? इसके पहले भी अभी एक देवी जी मंदिर में और एक मरगटा के पास देखने को मिला था और ये तीसरा अजगर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अजगर पड़ा है यहाँ पे पहला चौकी भर का जंगल छोड़ने जा रहे हैं, यहाँ को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा। काफी मशक्कत करनी पड़ी आजकल बहुत ज्यादा, काफी मशक्कत जनता की विशेष परेशानी थी। हाँ, क्या कोई शिकार भी किया था क्या? नहीं, शिकार कुछ नहीं किया। सूचना मिली थी, सूचना पर हम लोग आए तो जनता को बहुत जनता थी तो जनता को अलग करके फिर हम लोगों ने रेस्क्यू किया और पकड़ के चौकी घर का जंगल में छोड़। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। छतरपुर जिले के बिजावर में अखिल भारतीय यादव महासभा संघ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और राष्ट्रपति के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। बिजावर में अखिल भारतीय यादव महासभा संघ ने बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया, साथ ही अनुविभागीय अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि झांसी के करगुआ निवासी पुष्पेंद्र यादव की एक पुलिस अधिकारी ने गोली मारकर हत्या की थी जिसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। यह एक फर्जी तरीके से टीम गठित की गई थी जिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। करगुआ झांसी उत्तर प्रदेश में पुष्पेंद्र यादव की कथित मुठभेड़ में मृत्यु को संदेहास्पद बताते हुए अखिल भारतीय यादव समाज के तत्वावधान में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ये हत्या का मामला है और दोषी जो भी हैं उनके विरुद्ध 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी पत्नी को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर है। पुष्पेंद्र यादव की घटना हुई है, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया है, इन लोगों ने हत्या की है, हत्या की है, उसके ऊपर झूठ लगा रहे हैं, उसके ऊपर झूठ के केस बनाए जा रहे हैं, जबकि वह दोष है उसके परिवार के कर्मचारी को उसको न्याय मिलने चाहिए और जो इन लोगों को हत्या की है सजा मिलने चाहिए। हमारे समाज के पुष्पेंद्र यादव का झांसी थाना अंतर्गत मोड़ थाने में धर्मेंद्र चौहान के द्वारा जो एनकाउंटर किया गया था उसके विरोध में प्रदर्शन किया है हम लोगों ने। हम लोग चाहते हैं कि उसको न्याय मिले और उनके हत्यारों को फांसी मिले। अब आप कहाँ जाएंगे इधर से पता दहन करने के बाद? कहाँ जाओगे इधर पुतला दहन करने के बाद? कोई ज्ञापन है आपके पास? जी, यहाँ से सीधे SDM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय व प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे और अपने भाई को न्याय दिलाएंगे। बिजावर से हृदेश मंगली, सागर टीवी न्यूज।
फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होते हैं, बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। सन 2002 से आपकी सेवा में हनुमंत छाया ज्वेलर्स, एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधारें। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड सागर, SCJ ब्रांच 2, सराफा बाजार सागर। हिम बाहुबली फैमिली रेस्टोरेंट, लाखा बंजारा झील के सामने, चैतन्य हॉस्पिटल के बाजू में, बस स्टैंड रोड सागर। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह, फैंसी ज्वेलर्स परकोटा सागर। रोहित मोबाइल लेकर आए हैं दिवाली धमाका, मोबाइल एक्सचेंज सुविधा उपलब्ध, 0% ब्याज पर स्मार्टफोन खरीदने पर जियो मोबाइल और लैपटॉप बैग फ्री। हमारा पता है रामप्याव के पास, सराफा बाजार सागर। 6 लाख से अधिक किसानों का भरोसा, सोनालिका ट्रैक्टर। सोनालिका ट्रैक्टर खरीदने के लिए संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि उपज मंडी के आगे, तुरई रोड सागर, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल सागर। SBN यूनिवर्सिटी, द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन सागर संभाग। एड्रेस SBN यूनिवर्सिटी, NH 26, नरसिंहपुर रोड, सिरोंजा सागर, मध्य प्रदेश। प्रकाशदीप मोबाइल पेश करते हैं दिवाली धमाका, खरीदे कोई भी मोबाइल और पाए आकर्षक उपहार। बजाज एवं SGB के कार्ड बनवाए बिल्कुल फ्री। हमारा पता है जामा कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 2, 332 सागर। ईश्वर का आधार सत्य से व्यवहार, न्यू सौरभ ज्वेलर्स, ऐश्वर्या ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं राशि रत्नों और राजकोट ज्वेलरी के विक्रेता। पता झंडा चौक गोपालगंज सागर। इस दीपावली दिगंबर टेलीकॉम का बड़ा धमाका, 0% ब्याज पर आसान किस्तों में खरीदें कोई भी स्मार्टफोन और पाएं लकी ड्रॉ कूपन और चांदी का सिक्का बिल्कुल फ्री। कच्च कड़वा के बाजू में भगवानगंज सागर। आपका आयोजन व्यवस्था हमारी, अरहंत कैटर्स पेश करते हैं कम दाम में VIP सुविधा। हमारा नंबर है 9993344987। प्योर वेज देसी तड़का फैमिली रेस्टोरेंट, पारिवारिक और मनोरंजन के साथ। हमारा पता है UTD के नीचे, सिरोंजा रोड, पथरिया जाट सागर। आपका कार्यक्रम, आप ही मेहमान, 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। फायरिंग कैड अकेडमी एंड सिविल कंस्ट्रक्शन कंसल्टेंसी, इंजीनियर शालीन सिंह, रजिस्टर्ड नगर निगम सागर मकरोनिया, नगर पालिका एवं TNCP से कराए नक्शे पास, MIG 93 रोड सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। पता याद रखिए, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा चौराहा सागर, मध्य प्रदेश। सर्व सुविधा युक्त अमन मैरिज गार्डन, शादी पार्टी और किसी भी आयोजन के लिए संपर्क करें। पता दिल्ली अस्पताल रोड, चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे। होटल क्राउन पैलेस में खुलने जा रहा है जायके का नया खजाना, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मजा लीजिए। होटल क्राउन पैलेस, मकरोनिया रोड सागर। छतरपुर जिले के पुलिस लाइन परिसर में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर शहीदों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को 2 मिनट का मौन धारण करते हुए सलामी भी दी गई। इसके बाद परिसर में वृक्षारोपण किया गया। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर छतरपुर में पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी गई। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को सलामी दी गई। इसके बाद परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर DIG अनिल माहेश्वरी, कलेक्टर मोहित बुंदस, SP तिलक सिंह, जिला न्यायाधीश समेत अधिकारी और नेता सहित कई लोग मौजूद रहे। आप सभी अपने श्रद्धा सुमन शहीद स्मारक पर अर्पित करें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शंकर सोनी सहित आप सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है अपने श्रद्धा सुमन। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है। कर्तव्य के दौरान जो पुलिस कर्मचारी, अर्धसैनिक बल के कर्मचारी शहीद होते हैं, उनकी स्मृति में ये दिवस संपूर्ण देश भर में मनाया जाता है। तो आज छतरपुर में भी उसी क्रम में आयोजन था और आयोजन के पश्चात हमने वृक्षारोपण भी रखा है, तो आप देख रहे हैं वृक्षारोपण चल रहा है। शहीद स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाता है और हम सभी को मालूम है कि 21 अक्टूबर 1959 को जो हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस के टुकड़ी पर हमला हुआ था और जिसमें 10 हमारे रणबांकुरे शहीद हुए थे,
उन्हीं के शौर्य के प्रदर्शन के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और निश्चित तौर पर इस वर्ष हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है कि जिसमें जवान से लेकर अधिकारी तक पूरे ज़िले के सब शामिल हों और नगरवासी, स्कूल के बच्चे, जनप्रतिनिधि, सभी को यह मालूम हो कि देश सेवा क्या होती है, देश की प्रेरणा क्या होती है। तो उसके लिए एक अच्छा सा प्रयास किया गया है और निश्चित तौर से हमें और हमारे पूरे जवान को और नागरिकों को भी कर्तव्य निर्वहन की एक प्रेरणा मिलेगी। उसी का एक कार्यक्रम और उसके बाद एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया था। मेरे मन के कुछ उद्गार हैं जिन्हें मैं पंक्तियों के रूप में कुछ कहना चाहूँगा और अक्सर मैं गुनगुनाता रहता हूँ। मुझे कुछ सुकून भी मिलता है और मेरे निश्चित तौर से मेरी पोस्ट को भी ये सुकून मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा अपनी तरफ से, अपने देशवासियों की तरफ से, अपने पड़ोसी देशों के लिए। छतरपुर से संदीप यादव, सागर टीवी न्यूज। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सागर जिले के राहतगढ़ में भी पुलिस कर्मियों ने कन्या हाई स्कूल पहुंचकर शहीद स्मृति दिवस मनाया और शहीदों का याद किया। पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को कॉपी पेन भी वितरित किए। राहतगढ़ नगर में पुलिस अधिकारियों ने कन्या हाई स्कूल में पहुंचकर शहीद स्मृति दिवस मनाया। पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को कॉपी और पेन भी वितरित किए। इस मौके पर SDOP रघु प्रसाद ने बताया कि आज हम शहीद दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को जब चीन की सीमा पर हमारे सैनिक गश्त कर रहे थे, तब अचानक चीन ने हमारे जांबाज बहादुर सैनिकों पर हमला कर दिया था, जिसमें पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उनकी शहादत के रूप में आज शहीद स्मृति दिवस मनाते हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने भी शहीदों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 24 घंटे देश और जनता की सेवा में हम लोग रहते हैं, कभी 30 त्यौहार भी नहीं मना पाते। ऐसा सिर्फ इसलिए कि हमारे देशवासी अमन, चैन और सुकून से रह सकें। थाना प्रभारी ने छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि आप लोग जहां भी रहते हैं या जहां भी आते जाते हैं, आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी, आपके आसपास मोहल्ले में अगर आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं तो तुरंत नंबर पर सूचित करें, संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दिवस के रूप में मनाते हैं, क्यों मनाते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 21 अक्टूबर 1959 में चीन में बॉर्डर पर हमारी गश्ती सेना का गश्ती दल भ्रमण कर रहा था। विरोधियों ने, चीन के सैनिकों ने घात लगाकर हमारे सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे हमारे ढेर सारे जवान शहीद हो गए। उन जवानों में हमारे आपके कोई भाई, रिश्तेदार, कोई दूर का कोई न कोई था जो हिंदुस्तान के ही थे। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। प्लास्टिक मानव जीवन में बहुत ही घातक साबित होता जा रहा है, इससे बचने को लेकर जरूरी है कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। इसी संदेश को लेकर राहतगढ़ में एक निजी स्कूल के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। प्लास्टिक मुक्त राहतगढ़ बनाने के उद्देश्य से एक निजी स्कूल के बच्चों, शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों के अभिभावकों ने रैली निकाली और हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नगर में निकली। इसके साथ ही स्वच्छता का संदेश देते हुए रास्ते में पड़ी प्लास्टिक को भी एकत्रित किया। वहीं बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी के पास पहुंचकर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर को कैसे और भी स्वच्छ बनाया जाए, इस पर भी सभी ने अपने अपने विचार रखे। प्लास्टिक से बने एक पुतले का डेमो भी रखा गया था और समझाया गया कि प्लास्टिक से किस तरह से सृष्टि और मानव को हानि पहुँच रही है। कार्यक्रम में सभी को शपथ भी दिलाई गई कि कभी प्लास्टिक का उपयोग किसी भी कार्य में नहीं करेंगे। ग्रुप की ओर से कपड़े के थैले भी बांटे गए कि हम सबसे पहले स्वयं से, अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से एवं कार्यस्थल से इस अभियान का शुरुआत करेंगे कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि बहुत आवश्यकता हुई तो भी उपयोग करेंगे तथा प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में शिक्षित करेंगे, जिससे यहाँ की एक अतीत की चीज बनकर रह जाए। हम सतत प्रयास करेंगे एक मुक्त बन जाए, जिससे हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर वातावरण मिल सके।
जो शपथ ये बताया गया है स्कूल में कि है ना प्लास्टिक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके ज्यादा प्रयोग करने से अर्थ बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक है अर्थ के लिए ये, और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। इसको अपने मोहल्ले और जो साथी पढ़ने वाले हैं उनको उसका सलाह देंगे या और आगे चले बच्चों के लिए क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि हमें जैसे अभी यहाँ ऐसे बताया गया है ऐसे हम भी बताएंगे कि क्या क्या जो हम सबके लिए आम को लगता है। आज हम सभी स्कॉलर्स परिवार ने प्लास्टिक मुक्त राहतगढ़ को बनाने के लिए एक पहल चालू करी है। हमने सभी ने सब सारे राहतगढ़ जनों से निवेदन किया है कि प्लास्टिक को आपको अपने दिमाग से और अपने घर से ख़त्म करेंगे तभी प्लास्टिक पूरे शहर में हम ख़त्म कर पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूषित पदार्थ है, हमारे पर्यावरण को दूषित करता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत हम खराब भविष्य दे रहे हैं। इसलिए कोई भी प्लास्टिक का यूज़ ना करें, तो उसके लिए हम लोगों ने खाली और उसका अपना एक पैक बनाने की व्यवस्था की है और वो पूरे राहतगढ़ में विश्व में भी हम ये चाहेंगे कि हमारा प्लास्टिक अपने जीवन शैली से दूर करें। आप सभी ने इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पधारे, आप सबका मैं चेयरमैन होने के नाते उसी प्रकार का सहयोग आप सभी का अनुसार मिलता रहे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी हाथगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत, सागर टीवी न्यूज। क्या आपने कभी सुना है कि किसी इंसान की दोस्ती जहरीले जीव जंतु यानी सांपों से है? नहीं ना, लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो जहरीले सांपों को न सिर्फ आसानी से पकड़ लेता है बल्कि बड़ी ही आसानी से उनके साथ खेलता भी है, और इनके काटने पर भी इस व्यक्ति को कोई असर नहीं होता। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो जानवरों से दोस्ती करते हैं, तो कोई पक्षियों से दोस्ती करता है, लेकिन कभी ऐसे शख्स को देखा है जिसकी जहरीले जीव जंतुओं से दोस्ती हो और वो उसके साथ बिना डरे खेलता हो? ये जनाब है कल्लू आदिवासी, शिवपुरी जिले के खनिया थाना के ग्राम मोहासा में रहते हैं, जिन्हें जहरीले सांपों के साथ खेलना बेहद पसंद है। इलाके में अगर कहीं भी कोई जहरीला सांप निकलता है तो लोग इन्हें ही याद करते हैं, और कल्लू आदिवासी वहां पर पहुंचकर इस अंदाज में सांपों को पकड़ते हैं कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। जानकारी के मुताबिक इनके ऊपर जहरीले सांपों का जहर भी असर नहीं करता है। पहले कई बार ऐसा हुआ कि सांप ने इन्हें काटा, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं हुआ। तस्वीरें देखने के बाद ही आपको यकीन हो जाएगा कि कल्लू आदिवासी किस तरह से और किस मजे के साथ सांपों के साथ खेल रहे हैं। पास में और भी नाग नागिन बैठे हैं और ग्रामीण भी इन्हें घेरे हुए खड़े हैं। जब इसको लेकर कल्लू आदिवासी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब ये हाथ की सफाई का कमाल है, जिस वजह से जहरीले सांप भी आसानी से पकड़ लेते हैं। करिया करिया सांप, एक नागन है, करिया है। कितने सांप हैं ये? तीन है। तीन है? हाँ। तो तीन कौन कौन से सांप हैं ये? दो नागन एक करिया। दो नागन है एक करिया। हाँ। नाग है? नाग है। अच्छा, तो ये तुम पकड़ते कैसे हो? हाथ की सफाई है। हाथ की सफाई से पकड़ते हो? हाँ। कोई मंत्र वगैरह के द्वारा? नहीं नहीं नहीं, कोई मंत्र वगैरह नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मोहासा। मोहासा गाँव के? ये मोहासा कहाँ पड़ता है? खनिया थाना तहसील है। खनिया थाना तहसील में पड़ता है? सीपड़ी जिले में है। तो कोई मंत्र वगैरह का आप यूज नहीं करते? नहीं करते। तो ये कहाँ से पकड़ के लाए हैं आप अभी? जब किसी के घर मिल जाता है तो पकड़ लेता हूँ। अच्छा, तो आपको ये काटते आटते नहीं है? नहीं काटते। नहीं काटते? कभी काटा हो आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं काटा। वहीं जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल्लू आदिवासी के पास कोई तंत्र या विद्या नहीं है, ना कोई दूसरी चीज है, लेकिन फिर भी वह जहरीले सांपों को आसानी से पकड़ लेते हैं और बाद में इन्हें जंगल में छोड़ आते हैं। उसकी मैं जब से देख रहा हूँ, मैंने उसको पकड़ती हुई भी देखा सांपों को, जिस तरीके से वो पकड़ता है, ना उसमें कोई मंत्री कुछ करता है, ना ही वो
कोई विद्या ऐसा करता है, वो सिर्फ सांप को लकड़ी से दबाता है, वो बारी बारी से उसको मुंह को जाके पकड़ लेता है। वो इस प्रकार से सांप पकड़ता हो और अपने हाथी की सफाई से वो सर्पों को पकड़ता है। वो मैं बहुत दिनों से देखता हूँ, आसपास के लोग उसको पकड़वाने के लिए ले भी जाते हैं, और वो गांव में भी जिस किसी के घर में सर्प निकलता है तो वो उन सांपों को पकड़ता है। तो भैया ये सांपों को पकड़ के करते क्या है? कुछ नहीं करता, जैसे आप हमारे मकान या किसी के मकान में अगर सर्प आ जाता है तो उसको पकड़ के वो जंगल में छोड़ देता है। अच्छा, इसलिए गांव में लोग वैसे मुक्त रहे। ये तो साहब हाथ की सफाई से, हाथ की सफाई में किसी के मुंह को पकड़ लेते हैं, दांत दांत को पकड़ लेते हैं, मतलब अच्छा जो उस जंगल में बाहर कर देते हैं। सागर टीवी न्यूज के लिए शिवपुरी से प्रांजल भार्गव की रिपोर्ट। अगले साल यानी 2020 में मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होना है, जिस बात का विरोध करते हुए सागर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश में अगले साल नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अब महापौर और अध्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे। इसी के विरोध में भाजपा ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि कांग्रेस सरकार ने जो नियम में संशोधन किया है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मामले में महापौर अभय दरे ने जानकारी दी। तो कांग्रेस सरकार ने एक षड्यंत्र रचा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हत्या करने का प्रयास किया है, उसके विरोध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण ये ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को देने जा रहे हैं। आपके माध्यम से ये ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को सौंपना है। हम लोग भी ज्ञापन देने राज्यपाल जी को जाएंगे और ये हस्ताक्षर पूरे शहर की आम जनता के हस्ताक्षर हैं, ये किसी भारतीय जनता पार्टी के हस्ताक्षर नहीं है, ये पूरे शहर के आम जनता के हस्ताक्षर हैं। ये हस्ताक्षर सहित ज्ञापन आपको माननीय राज्यपाल जी को प्रेषित करना। कांग्रेस सरकार ने इस बार महापौर के चुनाव की व्यवस्था बदली है। सामान्यतः महापौर के चुनाव जनता के द्वारा होते हैं, पूरे शहर की जनता महापौर चुनती है। कांग्रेस सरकार ने षडयंत्र खेलते हुए जनता से चुनाव ना करवा के पार्षद के माध्यम से महापौर पर चुनाव कर रहे हैं। ऐसे में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका कुठाराघात उस भावना को पहुंच रहा है, जनता की भावना को भी ठेस पहुँच रही है, क्योंकि महापौर पूरे शहर का महापौर होता है और पूरे शहर की जनता उसको चुनती है। तो इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति पूरे 5 वर्ष तक नगर निगम में काम करेगी, काम अच्छे से हो नहीं पाएगा, विकास कार्य प्रभावित होगा। तो इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर से आज हस्ताक्षर करवाए, मतलब इसमें जो ज्ञापन हमने सौंपा है पूरे शहर के आम नागरिकों के इसमें हस्ताक्षर हैं। ये ज्ञापन माननीय कलेक्टर जी के माध्यम से हम माननीय राज्यपाल जी को प्रेषित हमने किया है और भारतीय जनता पार्टी स्वतः राज्यपाल जी को भी ज्ञापन देने जा रही है और जो कांग्रेस ने व्यवस्था की है उसका हम विरोध किया है। अभी जो मध्य प्रदेश शासन ने जो निर्णय लिया है महापौर का प्रत्यक्ष मतदान से अप्रत्यक्ष मतदान करवाने का, उस संबंध में इन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, उसी संबंध में इन्होंने अपनी एक राज्यपाल के नाम पे एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो कि इन्होंने शांतिपूर्वक प्रदान किया गया है और हम इनको जो भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप। सागर जिले के शाहगढ़ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर प्राथमिक शाला अमरमाऊ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सन 1996 में उपनिरीक्षक और नगर के ही आरक्षक बदमाशों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, जहां उन्हें याद करते हुए उनके परिवार का सम्मान किया गया। सागर जिले के शाहगढ़ में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर प्राथमिक शाला अमरमऊ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सन 1996 में शहीद हुए श्यामलाल दुबे को नमन कर याद किया गया, जहाँ पुलिस विभाग द्वारा अमर शहीद श्यामलाल दुबे की पत्नी और उनके परिजनों को पुलिस वाहन द्वारा सम्मान लाया गया और सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें, छानबीला थाना में पदस्थापना के दौरान उप निरीक्षक महीप सिंह ठाकुर के साथ श्यामलाल दुबे रोड पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे और तब उन्हें सूचना मिली कि ग्राम शासन के पास 5 से 7 बदमाश ट्रक को रोके हुए खड़े हैं, तो तत्काल वहां पर रवाना हुए और वहां पहुंचकर उन्होंने बदमाशों को ललकारा और फिर हाथापाई भी हुई। कुछ बदमाश सड़क के बाजू में हथियार लिए छिपे थे, उन्होंने फायर किए जिससे उप निरीक्षक महीप सिंह के साथ श्यामलाल भी शहीद हो गए।
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी जनता में स्वर्गीय श्री श्यामलाल जी दुबे, जिनके जीवन परिचय के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। अध्ययन करने के बाद वो सरकारी नौकरी करते हुए शहीद हुए। उनकी जन्मतिथि थी 2 अगस्त 1941 और उन्होंने कक्षा 5वीं तक इस स्कूल में अध्ययन किया। 1 साल 1963 को वो सेवा में आए। पद स्थापना थी उनकी छानबीरा सागर और एक मुठभेड़ में जब उन्होंने, जैसा कि आप सभी को विदित है, कई बार चर्चा हो चुकी है कि शाम के वक्त जब वो अपने कर्तव्य स्थल की ओर रवाना हुए तो कुछ डकैत घात लगाए हुए बैठे थे और उसमें हमारे सम्मानी 23 अक्टूबर 1996 को शहादत को प्राप्त हुए और परिवार के रूप में उनके पीछे जिनको वो छोड़ गए। शाहगढ़ से सुनील तिवारी, सागर टीवी न्यूज। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सभी जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। शहीद हुए जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि देने मकरोनिया स्थित बटालियन परेड मैदान में परेड का आयोजन किया गया और शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। स्मृति दिवस के अवसर पर वैसे तो पूरे देश में आयोजन किए गए, पर सागर पुलिस विभाग के महकमे ने इस अवसर पर कुछ खास और यादगार बनाने शहीद हुए जवानों की स्मृति में श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह मकरोनिया स्थित बटालियन की परेड मैदान में परेड का आयोजन किया और देश की आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए पुलिस कर्मी के परिजनों को सम्मानित किया। तो वहीं पुलिस लाइन स्थित परिसर में रक्त की कमी से जूझ रहे जिला अस्पताल के ब्लड बैंक को पर्याप्त मात्रा में रक्त मिल सके, इसके तहत जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां इस शिविर के माध्यम से जिले के पुलिस कप्तान SP अमित सांघी के साथ विभाग के अन्य आला अधिकारियों ने भी रक्तदान जीवन दान के महत्व को समझते हुए शिविर में पहुंचे और रक्तदान किया। बाद कैंट पुलिस कर्मी के द्वारा आपस में सहयोग कर एकत्रित की गई राशि से दिव्यांग बच्चों के आश्रम पहुंचकर SP ने कैंट थाना के स्टाफ के साथ मिलकर आश्रम के बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सके इसके लिए पलंग और बेड का वितरण किया। शाम को पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर जिला कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और IG सतीश सक्सेना, SP एडिशनल SP और शहीद के परिजनों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी।
वहाँ पे भैया है राहुल जी अनुज गौतम सागर टीवी न्यूज। ये थी सागर टीवी न्यूज की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ, हर पल आपके साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।